गाइस जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च हो चुका है, इसको गूगल के साथ मिलकर बनाया है और इसका प्राइस 2000 रुपए है। बट यहाँ पर आपको काफी सारी प्रॉब्लम इस मोबाइल के साथ देखने को मिलती हैं। ये आपको 2000 रुपए का तो देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर अंदर काफी सारी बातें छुपी पड़ी हैं जो आपको खरीदने से पहले जरूर जान लेनी चाहिए। तो इसके फीचर्स क्या होने वाले हैं, इसकी लॉन्च डेट क्या होने वाली है, आपको ये परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए और बाकी सब के लिए कैसा रहने वाला है जियो फोन नेक्स्ट, जियो फोन नेक्स्ट की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक 4G स्मार्टफोन है जो कि आपको 2000 रुपए का देखने को मिलता है, बट यहाँ पर काफी सारी कंडीशंस हैं। ये मोबाइल 2000 का नहीं है, आपको आगे देखने को तो मिल रहा होगा कि ये 2000 रुपए का है, बट काफी सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। ये जो 2000 रुपए का है ये EMI के ऊपर आपको 2000 रुपए का देखने को मिलता है, बट जो इसका रियल प्राइस है वो है 6500 रुपए। बट आपको ये 2000 रुपए का मिल सकता है, जो कि मैं अभी कंडीशन बताऊंगा उससे आप ले सकते हैं। बट सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कैसा है स्मार्टफोन, आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अगर हम डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर आपको 5.45 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको स्क्रीन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, तो आपको ठीक ठाक स्क्रीन देखने को मिलेगी। बट इसी टाइप की स्क्रीन काफ़ी टाइम पहले आती थी, तो अब ये इस टाइम दे रहे हैं इस टाइप की स्क्रीन को। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। बैक में आपको एक कैमरा देखने को मिलता है जो कि 13MP का है। फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 8MP का है, जो पहले वाले लॉन्च होते थे कुछ उस टाइप का ही आपको देखने को मिल रहा है। 1080p की आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps के ऊपर, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा 30fps 1080p पे, इससे भी रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी के बारे में। यहाँ पर आपको 3500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और नॉर्मल चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस बैटरी आपको ठीक देखने को मिल जाती है इस प्राइस के हिसाब से और इन सब फीचर्स के हिसाब से, तो बैकअप आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जियो फोन नेक्स्ट के प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 5415 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि इसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी या फिर आप पबजी खेल पाओगे, तो गाइस इसके अंदर आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे। तो गाइस ये पबजी के लिए या फिर हाई परफॉर्मेंस के लिए नहीं बना है, एक नॉर्मल से यूज के लिए बना है, तो इसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्टोरेज के बारे में। 2GB की रैम देखने को मिलती है और 32GB की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर SD कार्ड भी डाल सकते हो, 512GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा देखने को मिल जाएगा। बस नेक्स्ट बात करते हैं सिम कार्ड के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन देखने को मिलती है जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको 2 स्लॉट तो देखने को मिलेंगे, बट जो 1 स्लॉट है उसके अंदर आप सिर्फ जियो की सिम ही डाल सकते हो, और अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो गाइस आप सिर्फ जियो की सिम में ही यूज कर पाओगे, तो ये कंडीशन ठीक नहीं है। इसे कुछ एडिशनल फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और बाकी सब सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। 3.5mm का जैक देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पर काफी अच्छी बात है। सो गाइस ये थे जियो फोन नेक्स्ट के फीचर। अभी बात करते हैं ये आपको 2000 का पड़ेगा या फिर 6500 रुपए का पड़ेगा, उसके बाद जानेंगे आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गाइस यहाँ पर आपको काफी सारे EMI के प्लान देखने को मिल जाते हैं और EMI के प्लान आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो, उसके आपको काफी ज्यादा फायदे भी देखने को मिलने वाले हैं। मंथली रिचार्ज उसी EMI प्लान के अंदर आ जाएगा, 24 मंथ का भी है, 18 मंथ का भी है, तो यहाँ पर काफी सारे प्लान देखने को मिलते हैं। उसके अंदर यहाँ पर जो लार्ज प्लान है वो यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि है 450 रुपए, बट यहाँ पर आपको 24 मंथ तक पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 1.5GB डे देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस इसके अलावा भी आपको काफी सारे प्लान देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं जियो की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और ऐप से भी इसको परचेज कर सकते हैं। इस इंटरेस्टेड के ऊपर टैप करना है और आपको आपकी जानकारी यहाँ पर भर देनी होगी। तो गाइस ये था जियो फोन नेक्स्ट और इसके प्लान्स। अभी बात करते हैं कैसा है स्मार्टफोन, आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गाइस अगर आप गेमिंग के लिए या फिर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे कैमरा के लिए इसको परचेज करना चाहते हैं, तो गाइस आप इसको परचेज मत करना। बट गाइस जिनके पास पहले वाला जियो फोन था जो कि बटन वाला था, वो थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो लोग इसको परचेज कर सकते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ठीक रहने वाला है। बट इसी प्राइस के अंदर काफ़ी सारे और स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं जो कि इसकी टक्कर में हैं। बट यहाँ पर जो EMI पे करोगे उसके हिसाब से आपको रिचार्ज भी देखने को मिलने वाले हैं, तो ये प्लान भी आपके लिए ठीक हो जाते हैं। तो ये मोबाइल उनके लिए ठीक होगा जो कि डेली मोबाइल का यूज करते हैं, कॉलिंग के लिए मोस्टली यूज करते हैं या फिर थोड़ा बहुत नेट यूज करते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक रहने वाला है अगर आप ऐसा करते हैं। बाकी गेमिंग के लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए ये ठीक नहीं रहने वाला है। तो गाइस कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।